royalty account when minimum rent is given and there is right of recoupment of short working, यानी कि जब मिनिमम रेंट दिया रहता है और ये राइट रहता है लीजी के पास में कि वो किसी भी साल शॉर्ट वर्किंग होता है तो उसको रिकूप कर सकता है। रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू ईयर। क्वेश्चन, टाटा आयरन स्टील कंपनी टुक द लीज ऑफ एन आयरन ओर माइन फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर फ्रॉम 1 जनवरी 2009 ऑन अ रॉयल्टी ऑफ ₹2 पर टन सब्जेक्ट टू अ मिनिमम रेंट ऑफ ₹15,000 पर एनम विथ पावर टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग ओवर द फर्स्ट फोर ईयर ऑफ द लीज। यानी कि 20 साल के लिए लीज है, ₹2 पर टन कोई भी टन निकलेगा, यानी कि जो भी कोल माइन से जो भी निकलेगा उसके ऊपर ₹2 पर टन करके रॉयल्टी चार्ज होगा। मिनिमम रेंट 15,000 देना ही है, ये मिनिमम रेंट ये है, इससे ऊपर होगा तो वो मिलेगा लेकिन मिनिमम इतना चाहिए ही चाहिए। और कोई भी अगर शॉर्ट वर्किंग होता है यानी कि मिनिमम रेंट से कम प्रोडक्शन होता है तो उसको फर्स्ट फोर ईयर में ही रिकूप किया जा सकता है। द आउटपुट फॉर द फर्स्ट फोर ईयर वाज एज फॉलोज, 2009 2000 2010 4,000, 2011 8,000 और 2012 12,000। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल द ईयर एंड द शो रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। यानी इस क्वेश्चन में जर्नल भी करना है और अकाउंट भी बनाना है। रॉयल्टी अकाउंट का जो मेन बेस है वो है एनालिटिकल टेबल। ये अगर किसी का क्लियर है तो सारा चीज क्लियर है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट फोर ईयर का इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास हमेशा रहेगा हर क्वेश्चन में। ईयर 2009, 10, 11, 12, आउटपुट 2000, 4000, 8000, 12000। रॉयल्टी ₹2 पर टन करके बोला है, मल्टीप्लाई कर देंगे दो से, 4000, 8000, 16000, 24000। मिनिमम रेंट हर साल के लिए फिक्स है, ₹15,000 होगा। अब शुरू करते हैं बाकी के कॉलम को भरना। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में 11,000 का शॉर्ट वर्किंग हो रहा है क्योंकि 4,000 मेरा रॉयल्टी क्रिएट हो रहा है जबकि मिनिमम रेंट 15,000 देना था, यानी कि 11,000 का शॉर्ट वर्किंग हो रहा है। सरप्लस में कुछ भी नहीं होगा, रिकूप कुछ नहीं होगा। लैंडलॉर्ड को उस साल हम लोगों को देना होगा टोटल ₹15,000। पीएल अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा। अब ये जो शॉर्ट वर्किंग हुआ है इसको फर्स्ट फोर ईयर में रिकूप कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर आते हैं, नेक्स्ट ईयर में मेरा रॉयल्टी 8,000 हो रहा है जबकि मिनिमम रेंट 15,000 है, यानी अगेन शॉर्ट वर्किंग 7,000 हो रहा है। अगेन कोई भी सरप्लस नहीं, कोई रिक्रूटमेंट नहीं और लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना पड़ रहा है 15,000, ट्रांसफर टू पीएल कुछ भी नहीं। 2011 में 16,000 रॉयल्टी हो रहा है, मिनिमम रेंट 15,000 है, यानी इस साल कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं हो रहा है। और जो एक्स्ट्रा पैसा है यानी कि 15,000 से जो ₹1,000 ज़्यादा हो रहा है वो सरप्लस है और उस सरप्लस से हम लोग रिकूप कर लिए 1,000। लैंडलॉर्ड को अल्टीमेटली पे होगा 15,000, पीएल अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा। 2012 में ₹24,000 हो रहा है जबकि मिनिमम रेंट 15,000 है, यानी इस साल हम लोग रिकूप कर सकते हैं 9,000। तो 9,000 रिकूप कर लिए और लैंडलॉर्ड को पेमेंट हो रहा है 15,000। तो पीएल में ये 8,000 गया कैसे? 11 + 7 यानी टोटल शॉर्ट वर्किंग हुआ था 18,000 जबकि उसमें से रिकूप हो रहा है 10,000। तो 8,000 पीएल में चला जाएगा क्योंकि ड्यूरिंग द फर्स्ट फोर ईयर हम इसको रिकूप नहीं कर पाए, ये मेरे लिए लॉस है। किसके लिए? लीजी के लिए। देन अब जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। इसका जर्नल एंट्री हर कंडीशन में अलग अलग होता है, जब रॉयल्टी ज़्यादा होता है, जब रॉयल्टी कम होता है और जब रॉयल्टी बराबर होता है। तो शुरू करते हैं 2009 के लिए। यह है 2009 का डिटेल। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 4,000, 11,000, 15,000 बिंग रॉयल्टी अर्न एंड शॉर्ट वर्किंग पेबल टू लैंडलॉर्ड December 31st। अब लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक 15,000। थोड़ा समय वीडियो में तेज बोलूँगा, नहीं तो ये वीडियो को थोड़ा जल्दी खत्म होगा, नहीं तो काफ़ी लंबा जाएगा, सो थोड़ा सा बने रहेंगे। December 31st प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। लीजी के लिए रॉयल्टी 4,000 लॉस है क्योंकि उसको हर साल ये रॉयल्टी देना है, इसलिए 4,000 चला गया बिंग द ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। फिर 2010 रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। रॉयल्टी 8,000 हुआ था, शॉर्ट वर्किंग 7,000 है, टोटल मिला के लैंडलॉर्ड को 15,000 देना है। देन लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000। पीएल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट 8,000 नहीं जाएगा क्योंकि ये 8,000 मेरा रॉयल्टी उस साल क्रिएट हो रहा है। 2011 रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट
क्योंकि इस साल मेरा शॉर्ट वर्किंग नहीं हो रहा है, इसलिए रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 16,000, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 16,000 टू बैंक अकाउंट, 15,000 टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, 1,000, यानी 16,000 में 15,000 पे कर दिए, 1,000 मेरा शॉर्ट वर्किंग रिकूप हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट 16,000, रॉयल्टी टोटल 16,000 चला गया। 2012 रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, इस साल मेरा 24,000 रॉयल्टी क्रिएट हो रहा है। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 24,000 लैंडलॉर्ड का इस बार क्रिएट हुआ, जिसमें से 15,000 उसको मिनिमम हम लोग पे कर रहे हैं और बाकी का 9,000 शॉर्ट वर्किंग रिकूप में चला गया। दिसंबर 31st प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, इस साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टोटल 32,000 जा रहा है, जिसमें 24,000 रॉयल्टी का और 8,000 शॉर्ट वर्किंग रिकूप का, जो रिकूप नहीं हुआ, सॉरी, जो 8,000 हम लोगों का यहाँ वर्किंग नोट में देख सकते हैं रिकूप नहीं हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं। अगर रॉयल्टी अकाउंट का बात करें तो ये बनाना बहुत ही आसान है। टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, यानी कि हर साल यही करना है, जितना लैंडलॉर्ड को पे कर रहे हैं उतना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये रॉयल्टी मेरा उस साल इतना ही क्रिएट हो रहा है, तो टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल ये चलता रहेगा। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में आते हैं तो फर्स्ट ईयर मेरा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 11,000 है शॉर्ट वर्किंग बाय बैलेंस सीडी, क्योंकि फर्स्ट ईयर कोई भी रिकूप नहीं हुआ। नेक्स्ट ईयर आएगा टू बैलेंस बीडी, नेक्स्ट ईयर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 7,000, फिर से मेरा शॉर्ट वर्किंग हो गया, टोटल मेरे पास शॉर्ट वर्किंग है 18,000 बाय बैलेंस सीडी। ये नेक्स्ट ईयर आया टू बैलेंस बीडी 18,000, 2011 में बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट, यानी कि इस बार 1,000 ही मेरा रिकूप हुआ। ये 1,000 इस जर्नल एंट्री से आया, आप देख सकते हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 1,000, तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में आप लिखेंगे बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट 1,000, बाय बैलेंस सीडी 17,000, अभी भी 17,000 रिकूप करना बाकी है। देन टू बैलेंस बीडी 2012 17,000, और 2012 में बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट 9,000, इतना ही रिकूप हो पाया, बाकी का 8,000 चला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब लैंडलॉर्ड अकाउंट खोलेंगे, बाय रॉयल्टी अकाउंट बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, रॉयल्टी का 4,000, शॉर्ट वर्किंग का 11,000, जो हम लोगों को अपने घर से देना पड़ रहा है, अपने पॉकेट से लगाना पड़ रहा है, टोटल लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर रहे हैं 15,000। 2010 में बाय रॉयल्टी अकाउंट 8,000, बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 7,000, टोटल मिला के 15,000, मिनिमम रेंट पे कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट 15,000। 2011 में बाय रॉयल्टी अकाउंट इस बार 16,000 हो रहा है, जिसमें टू बैंक करके 15,000 पे कर रहे हैं और शॉर्ट वर्किंग रिकूप हो जा रहा है 1,000। 2012 में बाय रॉयल्टी अकाउंट 24,000, उसमें से टू बैंक अकाउंट करके 15,000 पे कर रहे हैं, बाकी का 9,000 टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। आशा है कि आप लोगों को ये फर्स्ट क्वेश्चन से जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लीजी और नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लीजी समझ में आया होगा। थैंक यू।